हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी के इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक ऐसे बिजनेस सेक्टर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि एक काफ़ी उभरता हुआ बिजनेस सेक्टर है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया के लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है। आप में से जो भी लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे आज की वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको ये पता हो कि ये एक ऐसा बिजनेस सेक्टर है जिसमें बिजनेस करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। बिकॉज अगर आज आपने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले 5-10 साल के बाद आप अपने किसी दोस्त को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे इस सेक्टर में। ये सेक्टर है कौन सा? ये सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का। अपने आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वो सारे रीजंस जिसके कारण ये एक उभरता हुआ सेक्टर है और आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे देश की पोजीशन है वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम काफ़ी हाईली रैंक करते हैं दुनिया में। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स के लिए देखेंगे उसमें तो वर्ल्ड ओवर हम नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशंस पर भी रैंक करते हैं, लेकिन जब बात आती है फूड प्रोसेसिंग की तो हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं। अपने टोटल प्रोडक्शन का हम हार्डली 10 या 11% प्रोसेस कर पाते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यही जो फिगर्स हैं फूड प्रोसेसिंग की वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 40-50% तक उनके टोटल प्रोडक्शन का। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा एक गैप है, लेकिन यहाँ पर जो एक गैप है यही प्रोड्यूस करता है इस नई अपॉर्चुनिटी को भी। ये अपॉर्चुनिटी हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी है, एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए भी है और री एक्सपोर्ट्स के लिए भी है। तो ये एक ऐसी बिजनेस पॉसिबिलिटी है जिसको कि आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट भी काफ़ी बड़े रूप में इस पर काम कर रही है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर इंडिविजुअली आपको भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, आपको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए इसमें काम करने के बारे में। अब हम सभी ने देखा कि कोविड के माहौल में क्या हुआ। कोविड के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स में हमने देखा कि काफ़ी सफ़र किया, लेकिन एक सेक्टर जो चलता रहा वो था एग्रीकल्चर का। बिकॉज ज़िंदगी को जीने के लिए आखिर लोगों को खाना तो खाना ही था ना, और ऐसे में एक बार जो फोकस था वो फिर से शिफ्ट हुआ एग्रीकल्चर की तरफ। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम सभी लोग कोविड के माहौल में घर से काम कर रहे थे। इस समय में ना तो कोई मेड्स अवेलेबल थी, ना हम बाहर खाना खाने जा पा रहे थे, सभी काम हमें खुद करने थे। ऐसे में खुद खाना बना पाना, सभी काम खुद कर पाना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने लगा। तब क्या हुआ? तब लोगों को रिक्वायरमेंट फील हुई हाइजीनिक फूड की, जो कि या तो रेडी टू कुक हो या रेडी टू प्रिपेयर हो। इसी के साथ साथ लोगों की एक और रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि ये जो भी खाना हम लें वो हेल्दी हो। ऐसे में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में आए जो कि रेडी टू कुक एंड रेडी टू प्रिपेयर थे, यानी कि प्रोसेस फूड्स मार्केट में आए। और एक बार जब लोगों को इनकी आदत लग गई, एक बार जो हमारी नीड थी वो फुलफिल होने लगी, तो वो नीड बहुत जल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो गई। और एक बार जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, अब यहाँ से मार्केट को आगे ही बढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस कोविड की सिचुएशन में जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है उसको अगेन एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है। ऐसे माहौल में जो लोगों का वे ऑफ लिविंग था वो क्यूरेटिव से शिफ्ट होकर के प्रिवेंटिव की तरफ आ गया, यानी कि अब हम ये नहीं चाहते थे कि हमें कोई बीमारी हो जाए हम उसे क्योर करें। रादर देन दैट हमारा जो फोकस हो गया वो ये हो गया कि इस चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, हम अपनी इम्यूनिटी को ऑलरेडी हाई रखें, अपनी हेल्थ को ऑलरेडी बूस्टअप करके रखें ताकि ऐसी सिचुएशंस ही हमारी लाइफ में ना आए। इसके कारण जो बूस्ट आया वो काफ़ी बड़े रूप में आया सुपर फूड्स के मार्केट में, आयुर्वेदा के मार्केट में, और हम सभी ने देखा न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये एक काफ़ी बड़ा मार्केट उभरा जो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेकर के आया। ये सभी जो चीज़ें हुई ये वर्ल्ड लेवल पर हुई, लेकिन इंडिया के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। वो एडवांटेज ये है कि हमारा देश, आप देखते हैं कि किस तरह से एक वैरिड क्लाइमेट का देश है, जिसके कारण हमारे पास एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है वो होती है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। यानी कि हमारे देश का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सुटेबल है बहुत तरह की चीज़ें उगाने के लिए, बहुत तरह की वनस्पतियाँ उगाने के लिए, बहुत तरह के फ्रूट्स उगाने के लिए, बहुत तरह की वेजिटेबल्स उगाने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे देश की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली जो सुटेबल है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर पाना काफ़ी ईजी होता है, चाहे वो मिडल ईस्ट का मार्केट हो चाहे वो साउथ ईस्ट मार्केट हो। तो ये एक जो पोजिशन है हमारी क्लाइमेटिक वाइज और दूसरे हमारा जो स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज, ये दोनों भी हमारे को एडवांटेज देती हैं कि इंडिया के लिए फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है अगर हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स बना लिए तो इनको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब ये जो सभी चीज़ें हो रही थी ये आउटर लेवल पे हो रही थी दुनिया में, इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और ध्यान दिया कि आखिर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए,
और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। अब वो इनिशिएटिव्स कौन से हैं जिसके कारण ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा बनता है, आगे बताती हूँ आपको वीडियो में। अब देखिए, इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने से पहले फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो भी काम हो रहा था उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा था। लेकिन अगर किसी भी बिज़नेस को वाकई बड़ा बनाना है, किसी भी सेक्टर को अगर वाकई में वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना है हमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस काम को ऑर्गेनाइज किया जाए। अब इस काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया गया, तो इस काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी यूनिट्स इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही थी उनको लाने की कोशिश की गई MSME के अंतर्गत, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जब इनको MSME के अंतर्गत लाने की कोशिश की गई तो उसका जो मंशा थी वो ये थी कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी आए या जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो भी ट्रेनिंग हो, जो भी ब्रांडिंग मार्केटिंग की हेल्प हम प्रदान करें वो हम नीचे के लेवल तक प्रदान कर पाएँ। और उसके लिए काफ़ी सारी योजनाएँ लॉन्च की गई, जिसमें कि एक काफ़ी बड़ी योजना लॉन्च की गई वो है ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस प्रोडक्ट होगा जिसको कि प्रोसेस करके आपके लिए डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट मार्केट एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के साथ साथ जो दूसरी योजनाएं लॉन्च की गई हैं काफ़ी बड़े रूप में, वो हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, फिर आपके पास फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई मार्केट में, इसी के साथ साथ फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये एक योजना है जिसको लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, ब्रांडिंग है, या आपके पास जो भी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स है वो प्रदान किया जा सके इन यूनिट्स को। इसी के साथ साथ जो भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जैसे कि कोल्ड चेन्स की, तो उनको भी इन यूनिट्स को दिया जा सके। अब अपने आज के इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ वो रीजंस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एंटर होने के बारे में सोचना क्यों चाहिए। लेकिन अगर आप वाकई में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एंटर होते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इस जो भी यहाँ पर योजनाएं जो मैंने अभी डिस्कस की है यहाँ पर उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएँ, पूरी मदद के साथ कर पाएँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इन योजनाओं के ऊपर भी आपको कंप्लीट वीडियोज़ बनाकर दे सकती हूँ। नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो इसी के साथ साथ इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो एक काफ़ी बड़ी योजना KVIC ने लॉन्च की वो है PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के तहत इस तरह की यूनिट्स को सेटअप करने के लिए आपको 25 लाख रुपये तक लोन और उस पर सब्सिडी सरकार मुहैया करा सकती है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकते हैं, वो सभी मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड हैं फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में बिजनेस करने के लिए एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना उस सेक्टर में काम नहीं किया जा सकता। इस फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है कि आपके पास अच्छी फूड पार्क्स अवेलेबल होने चाहिए, आपका जो सप्लाई चेन है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी सेक्टर्स पर सरकारें काफ़ी बड़े रूप में काम कर रही है। ऑलरेडी हमारे देश में 22 मेगा फूड पार्क्स ऑपरेशनल हैं, जिसको बढ़ाकर लाने की कोशिश है 40 तक। इसी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन के ऊपर भी काफ़ी बड़े रूप में काम शुरू हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें समझ में आता है कि हाँ, वाकई में ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि काम करने के बारे में हमें आज की तारीख में ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आर टुमारो। एंड अगर आज हमने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शायद हम सक्सेसफुल होते हुए अपने कुछ दोस्तों को देखेंगे, उनमें हमारा नाम नहीं होगा। अब अगर किसी भी सेक्टर में आपको काम करना है, बिजनेस करना है, तो आपको ज़रूरत होती है कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज़ की। अगर इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में आपको काम करना है तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई हम इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स पर हम काम कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह का एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जिन पर काम करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना। अब आज के ज़माने में किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिस एक चीज़ ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है वो है इंटरनेट। और हमारे देश में आज की तारीख में जो इंटरनेट है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंटरनेट है ये आप तक नॉलेज तो लेकर के आता ही है, लेकिन साथ के साथ आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको वर्ड ओवर लेकर जाने में भी आपकी मदद करता है। आप अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं, राइट प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, और सिर्फ एक क्लिक की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ बैठकर अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, अपने आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी ठोस रीजंस देकर समझा सकूं कि ये फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस सेक्टर आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए, आपको इस सेक्टर में बिजनेस करने के बारे में आकर सोचना क्यों चाहिए। अगर मेरी आज की ये बातें आपको समझ में आई हैं तो आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च इंटरनेट पर करने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें और भी साफ साफ नज़र आने लगेंगी। मेरी अपनी वीडियोज़ के थ्रू हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग लग सकें, और इस तरह के जो भी नए ट्रेंड्स हैं मार्केट में वो मैं जल्दी से जल्दी आप तक लेकर आ सकूं, ताकि यहाँ पर जो बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप टारगेट कर सकें और हम सभी की कमाई बढ़ सके। हम अपने लिए तो रोज़गार प्रोड्यूस कर ही सकें, साथ के साथ कुछ लोगों को रोज़गार दे भी सकें। इससे ना सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा, आप ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, बल्कि इस पूरे देश का फ़ायदा होगा। और मेरी अगर ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आती ही रहूँगी जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।